नमस्कार दोस्तों, डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने सीपीआर का क्वेश्चन नंबर 7-29 अटेम्प्ट करना है, जो बुक के पेज नंबर 288 पे है। अब इस क्वेश्चन में देखें इन्फॉर्म क्या कर रहा है। जद्दा कंपनी प्रोड्यूसेस अ कंज्यूमर आइटम मशरूब विच पासेस थ्रू टू डिपार्टमेंट। द कंपनी यूजेस अ प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड। कॉस्ट डेटा ऑफ द कंपनी फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेंबर आर एज अंडर। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। तो ये उसने मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड तीनों की कॉस्ट जो थी वो बताई है, डिपार्टमेंट ए की भी और डिपार्टमेंट बी की भी। राइट, कह रहा है देयर वाज नो बिगिनिंग इन्वेंटरी। यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस 50,000 यूनिट्स। यूनिट्स इन प्रोसेस ऑन सितंबर 30th 20,000 यूनिट 25% कंप्लीट इन डिपार्टमेंट ए, 10,000 यूनिट 50% कंप्लीट इन डिपार्टमेंट बी। Required, prepare cost of production report for department A and B. तो अब इस question में उसने हमें कहा है जी कि आपने अपने department A और B दोनों की CPR जो है वो बनानी है। तो अभी तक जो हम question attempt कर रहे थे उसमें situation ये थी, या हमें अपने department 1 की CPR बनानी पड़ती है या हमें अपने department number 2 की CPR बनानी पड़ती है। तो अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें उसने ए और बी दोनों डिपार्टमेंट की सीपीआर एक ही क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया। तो इट मींस ये एक ही क्वेश्चन में हमारी बेसिकली दो क्वेश्चन है। तो अब हम पहले अपने डिपार्टमेंट ए की सीपीआर बनाएंगे और फिर डिपार्टमेंट बी की। तो जब दो डिपार्टमेंट की सीपीआर इकट्ठी बनेगी तो फिर कुछ इन्फॉर्मेशन सेकेंड डिपार्टमेंट की कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी जिसको वो क्वेश्चन में हाइड कर लेगा, आपको नहीं बताएगा। ठीक, वो फिर आप लोगों को खुद से लेनी पड़ेगी डिपार्टमेंट ए को देखते हुए। कैसे लेंगे वो अब हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए देखते हैं जी। राइट, तो पहले अब हम अपने इस क्वेश्चन के डिपार्टमेंट ए की सीपीआर बनाएंगे। तो 4 लाइंस आप यूज करेंगे इन्फॉर्म करने के लिए। टॉप पे आप लिखेंगे पहली लाइन में नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जद्दा कंपनी, दूसरी लाइन में आप डिपार्टमेंट नंबर ए, थर्ड लाइन में लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट और फोर्थ लाइन में लिखेंगे आप फॉर द मंथ एंडेड 30th September --। Right? अच्छा, आता हूं 10 मिनट तक। सीपीआर बनाते हैं तो हमारी सीपीआर के तीन सेक्शन होते हैं। उनमें से पहला सेक्शन है क्वांटिटी स्केड्यूल। तो दो कॉलम बन जाएंगे क्वांटिटी स्केड्यूल, यहां हेडिंग दी हमने, दो कॉलम हो गए यूनिट्स, यूनिट्स। अब इस क्वांटिटी स्केड्यूल में हमने अपने यूनिट्स के हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है कि यूनिट कहां से आए और वो कहां कहां गए। तो अब चूंकि इस वक्त पहले डिपार्टमेंट की सीपीआर बन रही है तो पहला डिपार्टमेंट यूनिट्स को स्टार्ट करता है। तो यहां पे हम लिखेंगे बेटे यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस। तो कितने यूनिट स्टार्ट किए हैं डिपार्टमेंट ए ने? 50,000। अब उसने मेंशन नहीं किया कि ये ए ने स्टार्ट किए हैं। तो चूंकि इस वक्त पहले डिपार्टमेंट की सीपीआर स्टार्ट करने वाला डिपार्टमेंट पहला होता है तो इसलिए ये डिपार्टमेंट ए की जो से है यूनिट है। राइट, तो यहां लिखेंगे यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस कितने हो गए? 50,000। इसको लिख के कर देंगे बेटे डबल अंडरलाइन आउटर कॉलम में। अब हम अपने इन यूनिट्स का ब्रेकअप बताएंगे कि ये यूनिट्स गए कहां कहां। तो सबसे पहले आ जाएगा बेटे यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट। तो कितने ट्रांसफर किए उसने? ये उसने डायरेक्टली नहीं बताए हैं। वो कह रहा है डिपार्टमेंट ए के पास मंथ के एंड पे 20,000 यूनिट्स रह गए हैं। ठीक, तो उसके पास 50 से उसने स्टार्ट लिया था तो 20 उसके पास रह गए, तो इसका मतलब 30 उसने ट्रांसफर किए थे। तो यहां जाएंगे यूनिट ट्रांसफर्ड आउट 30,000। फिर आ जाएंगे बेटे यूनिट स्टिल इन प्रोसेस, ये उसने बताए हुए 20,000 है। तो जितने भी स्टिल इन प्रोसेस यूनिट होते हैं इनकी साथ वो कंप्लीशन स्टेज भी बताता है। तो उसने कितनी बताई है? 20% कंप्लीट। अब उसने लिखा 25% कंप्लीट, सॉरी, ठीक है, 25% कंप्लीट। अब उसे बताना ये चाहिए था कि ये 25% किस चीज की कंप्लीशन स्टेज है, मटेरियल की, लेबर की, एफओएच की। वो मेंशन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कंप्लीट का मतलब होता है तीनों की स्टेज सेम है। तो मटेरियल भी 25% कंप्लीट है, लेबर भी और फैक्ट्री ओवरहेड भी, इसलिए हमें साथ मेंशन करने की जरूरत नहीं, जस्ट इतना लिख देंगे 25% कंप्लीट। राइट, अब हम इनर कॉलम में इसको करेंगे अंडरलाइन, दोनों को ऐड करेंगे 30,000 प्लस 20,000 तो ये मिल के हो जाएंगे 50,000 आउटर कॉलम में ले जाके इनको दोबारा अंडरलाइन कर देंगे। राइट, तो ये हमारा पहला सेक्शन क्वांटिटी स्केड्यूल जो है वो हो गया कंप्लीट। अब इसको फॉलो करेगा हमारा सेकंड सेक्शन। तो सेकंड सेक्शन कौन सा है हम लोगों के पास? कॉस्ट चार्ट टू डिपार्टमेंट। अब इसके दो कॉलम बन जाएंगे, टीसी स्टैंड्स फॉर टोटल कॉस्ट, यूसी स्टैंड्स फॉर यूनिट कॉस्ट। नीचे आ जाएगा रुपीस, रुपीस। अब इस कॉस्ट चार्ट टू डिपार्टमेंट में सबसे पहले हमने लेनी होती है कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, लेकिन वो हम कब लेते हैं? जब दूसरे डिपार्टमेंट की सीपीआर बन रही हो। तो इस वक्त ये हमारा दूसरा डिपार्टमेंट नहीं है, पहला है। तो पहले में हमें कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है। यहाँ सीधा सीधा आप लोग लिख लेंगे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब इस
प्राइस मटेरियल लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड की टोटल वाली प्राइस उसने क्वेश्चन में बताई होगी। तो अब आप देखें डिपार्टमेंट ए के डाटा में इसने बताया था मटेरियल 70,000 है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 35,000 है और फैक्ट्री ओवरहेड 35,000 है। ये टोटल वाली कॉस्ट हमने क्वेश्चन से लिख ली। अब ये जो हमारी यूनिट कॉस्ट है ये वो कभी भी क्वेश्चन में नहीं बताएगा, तो इसके लिए हम हमेशा क्या करेंगे फिर अपनी एडिशनल कैलकुलेशन करेंगे। तो अब इस एडिशनल कैलकुलेशन में सबसे पहले फाइंड करेंगे हम अपने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। तो ये जो हमारे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स हैं ये बेटे टोटली डिपेंड करते हैं हमारे स्टिल इन प्रोसेस यूनिट्स की कंप्लीशन स्टेज पे। तो हमारे क्वेश्चन में स्टिल इन प्रोसेस यूनिट की कंप्लीशन स्टेज कितनी है, 25% कंप्लीट है, मींस मटेरियल की भी, लेबर की भी और एफओएच की भी। तो चूंकि तीनों की कंप्लीशन स्टेज सेम है इसलिए तीनों के यूनिट्स भी इकट्ठे फाइंड हो जाएंगे, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे आप इकट्ठा लिखेंगे मटीरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट का फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, कंप्लीटेड यूनिट प्लस स्टिल इन प्रोसेस यूनिट विद रिस्पेक्ट टू कंप्लीशन स्टेज। तो अब आप देखें हमारे यूनिट कंप्लीट कितने हुए हैं, 30,000, ये लिखेंगे यहाँ पे, प्लस स्टिल इन प्रोसेस वो कितने थे 20,000 और कंप्लीशन स्टेज उनकी कितनी थी 25%। तो अब आप इसको सॉल्व करें, 30,000 अपनी जगह रहा, 20,000 का 25% 5,000 आ जाएगा, राइट right? दोनों को ऐड करें तो ये 35,000 यूनिट्स आ गए। तो अब मटीरियल, लेबर, एफओएच तीनों का ये सेम यूनिट है। अब हमें चाहिए हमारी पर यूनिट कॉस्ट। तो पर यूनिट कॉस्ट किस किस की चाहिए, वही डायरेक्ट मटेरियल की, डायरेक्ट लेबर की और फैक्ट्री ओवरहेड्स की। अब मटेरियल, लेबर और एफओएच तीनों की टोटल वाली प्राइसेस ये पड़ी है बेटे 70,000, 35,000 और 35,000। लेकिन जो आप इनको डिवाइड कर देंगे हम लोग इनके यूनिट से, ठीक। तो आप डिवाइड करेंगे जब यूनिट से, तो मटेरियल का यूनिट भी 35,000 है, लेबर के भी 35,000 है और एफओएच के भी 35,000 है। अब डिवाइड करें आप इनको, तो 70,000 को जब 35,000 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ गई मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट, लेबर की आ जाएगी 1 पर यूनिट और फैक्ट्री ओवरहेड की आ जाएगी 1 पर यूनिट। अब इन पर यूनिट प्राइसेस को उठा के आप यहां पे ट्रांसफर कर दें 2, 1, 1, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंगल अंडरलाइन करेंगे और टोटल कॉस्ट के कॉलम को ऐड करेंगे 70,000, 35,000 और 35,000 के, मिलके हो जाएगा 140,000। इसी तरह पर यूनिट कॉस्ट का टोटल कितना आ जाएगा 4। अब इसको हम नाम दे देंगे बेटे टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर और डबल अंडरलाइन कर देंगे। तो ये हमारा सेकंड सेक्शन कॉस्ट चार्ट टू डिपार्टमेंट कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं बेटे हम अपने तीसरे सेक्शन की तरफ। तो वो क्या है, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोस। तो ये जो तीसरा सेक्शन है ये हमेशा हम अपने पहले सेक्शन को देख के बनाते हैं। पर क्या है, पहले सेक्शन में हमने यूनिट लिए थे तो तीसरे सेक्शन में हम इनकी कॉस्ट लेंगे। तो अगर यहां देखें आप बेटे, यहां अपने पहले सेक्शन में क्वांटिटी स्केड्यूल में देखें, आपने यहां लिखा था यूनिट ट्रांसफर्ड आउट, ठीक है, यहां अब आप लिखेंगे कॉस्ट ट्रांसफर्ड आउट। तो अब हम कितनी कॉस्ट ट्रांसफर करेंगे, 30,000 यूनिट हमने ट्रांसफर किए थे और हमारा एक यूनिट कितने का बना था बेटे 4 रुपीज का। तो अब इस 30,000 को हम इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा हम लोगों के पास, 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये आ जाएगा 120,000। आउटर कॉलम में लिख देंगे। फिर यहां लिया था हमने यूनिट स्टिल इन प्रोसेस, यहां आएगा बेटे वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब इस वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंट्री में हमने क्या करना है, ये जो 20,000 यूनिट हमारे स्टिल इन प्रोसेस है ना, इनको भी हमने अपनी पर यूनिट कॉस्ट 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। लेकिन चूंकि 20,000 यूनिट की कंप्लीशन स्टेज वेरी कर रही है, ठीक है, वो 100% नहीं है, इसलिए इसको अब हम डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब हम इसके पार्ट्स बना लेंगे, वही डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। अब मटेरियल कैसे आएगा, 20,000 यूनिट इन प्रोसेस मल्टीप्लाइड बाई मटेरियल की कंप्लीशन स्टेज 25% मल्टीप्लाइड बाई मटेरियल के एक यूनिट की कॉस्ट 2 रुपीज। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो इनर कॉलम में ये 10,000 आ गया। इसी तरह डायरेक्ट लेबर, 20,000 यूनिट इन प्रोसेस मल्टीप्लाइड बाई कंप्लीशन स्टेज ऑफ लेबर 25% मल्टीप्लाइड बाई पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर 1। अब इनको मल्टीप्लाई करें आप तो ये आंसर आ जाएगा 5,000। इसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड्स, कंप्लीटेड सॉरी स्टिल इन प्रोसेस यूनिट 20,000 मल्टीप्लाइड बाई एफओएच की कंप्लीशन स्टेज 25% मल्टीप्लाइड बाई एफओएच के एक यूनिट की प्राइस 1। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 5,000। तो अब इन तीनों वैल्यूज को इनर कॉलम में ऐड करें तो ये तीनों मिलकर बन जाती हैं 20,000, राइट। तो अब 120,000 कॉस्ट हमने ट्रांसफर हो की थी और 20,000 की स्टिल इन प्रोसेस है, दोनों को ऐड करें तो ये 140,000 आ जाएगा, ये कहलाएगा टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर। तो अब हमारे सेकेंड सेक्शन का आंसर
और थर्ड सेक्शन का आंसर, ये जो थर्ड सेक्शन का आंसर आया है ये हमारे सेकंड सेक्शन के आंसर के साथ मैच करेगा। अगर ये दोनों बराबर नहीं होते तो आपने क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किया है। तो ये हमारा पहला डिपार्टमेंट जो है वो हो गया कंप्लीट। अब हमने इसी ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड डिपार्टमेंट भी बनाना है, ठीक है ना। तो अब जब हम अपने सेकंड डिपार्टमेंट की सीपीआर बनाएंगे तो वो अब कैसे बनेगी वो देख लेते हैं बेटे। तो स्टार्ट लेंगे हम लोग, टॉप पे थ्री लाइन फोर लाइन आप यूज करेंगे इन्फॉर्म करने के लिए। पहली में नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड जदा कंपनी, और सेकंड में लिखेंगे आप डिपार्टमेंट बी, थर्ड में लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, और फोर्थ में लिखेंगे आप फॉर द मंथ एंडेड 30th September --। अब फिर वही तीन सेक्शन बनेंगे। तो पहला सेक्शन क्वांटिटी स्केड्यूल, दो कॉलम बन जाएंगे यूनिट्स यूनिट्स। तो पहले लेंगे यहाँ बेटे हम यूनिट्स फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। पहला डिपार्टमेंट, पहले डिपार्टमेंट की जब सीपीआर बनती है तो यहाँ लिखते हैं यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस, ठीक। लेकिन जब दूसरे की बनती है तो यहाँ फिर हम क्या लिखते हैं, यूनिट्स फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, ठीक। तो कितने रिसीव किए थे अब उसने क्वेश्चन में नहीं बताए होंगे, क्यों, इसलिए कि दो डिपार्टमेंट की सीपीआर इकट्ठी बन रही है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने अभी कहा था आपको स्टार्ट में क्वेश्चन के, कुछ इन्फॉर्मेशन वो हाइड करेगा, ठीक। तो अब यूनिट कितने रिसीव हुए वो नहीं बताएगा, तो कहां से लेंगे, जितने यूनिट पहले डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर किए होंगे उतने पहले ने रिसीव, दूसरे ने रिसीव किए होंगे। तो पहले ने कितने ट्रांसफर किए थे, 30,000, यही इसने रिसीव कर लिए 30,000। आउटर कॉलम में लिख के डबल अंडरलाइन कर देंगे। अब बताना है इनका ब्रेकअप, ठीक। तो जब हम इसका ब्रेकअप बताएंगे सबसे पहले आ जाएंगे वही यूनिट ट्रांसफर आउट। तो कितने ट्रांसफर आउट किए वो उसने क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं बताए, उसने ये कहा कि जी डिपार्टमेंट बी के पास मंथ के एंड पे 10,000 यूनिट बच गए। इसका मतलब है फिर ट्रांसफर कितने किए, उसने 30 रिसीव किए थे, 10 उसके पास रह गए हैं, तो उसका मतलब है उसने 20 ट्रांसफर किए हैं। तो यहाँ लिखेंगे यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट 20,000। फिर लिखेंगे बेटे यूनिट स्टिल इन प्रोसेस, वो कितने हैं 10,000। स्टेज उसने बताई है 50% कंप्लीट, तो स्टेज फिर वही है, कंप्लीट का मतलब है मटीरियल लेबर है, तीनों की स्टेज सेम है, राइट। अब आप इसको करें ऐड, तो 20,000 और 10,000 मिलके 30,000 का ब्रेकअप हो गया कंप्लीट, डबल अंडरलाइन। तो ये हमारा पहला सेक्शन क्वांटिटी स्केड्यूल कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड सेक्शन की तरफ, विच इज कॉस्ट चार्ट टू डिपार्टमेंट टीसी यूसी, ठीक, रुपीस एंड रुपीस। अब जब हम कॉस्ट चार्ट टू डिपार्टमेंट का कॉलम सेक्शन बनाएंगे तो यहाँ सबसे पहले आएगी कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। तो वो कब आती है, जब दूसरे डिपार्टमेंट की सीपीआर बन रही हो, तो इस वक्त ये दूसरा डिपार्टमेंट है, इसलिए कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट आएगी, ठीक। अब कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट कितनी है वो उसने आप क्वेश्चन में नहीं बताई, क्यों नहीं बताई, क्योंकि दो डिपार्टमेंट की सीपीआर इकट्ठी बनती है, बन रही है, तो फिर कुछ इन्फॉर्मेशन उसने हाइड की है, ठीक, पहले बात हुई हमारी। तो कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट कैसे लेंगे, जितनी पहले डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर की होगी उतनी दूसरे ने रिसीव कर ली होगी। तो अब आप देखें पहले डिपार्टमेंट के तीसरे सेक्शन में कितनी कॉस्ट ट्रांसफर की थी हमने, 120,000, वही कॉस्ट इसने रिसीव कर ली है। तो यहाँ लिखेंगे कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट 120,000, ये टोटल हो गई, ठीक, पर यूनिट वो नहीं बता रहा, तो वो कैसे आ जाएगी, 120,000 हमें टोटल कॉस्ट मिली है, तो यूनिट कितने मिले थे 30,000, तो 120,000 को 30,000 पे डिवाइड करें तो एक यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी 4 रुपीज, ठीक। अब हम अपनी इस टोटल वाली कॉस्ट को भी करेंगे सिंगल अंडरलाइन और पर यूनिट कॉस्ट को भी करेंगे सिंगल अंडरलाइन, ठीक। अब आगे बारी आ जाती है कॉस्ट एडेड बाय दिस डिपार्टमेंट, ये तो वो कॉस्ट ही जो पिछले डिपार्टमेंट ने दी, अब हम देखेंगे कि हमने खुद कितनी ऐड की इसमें। तो यहां लिखेंगे बेटे कॉस्ट एडेड बाय दिस डिपार्टमेंट, तो ये डिपार्टमेंट फिर वही डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड लेंगे। तो अब मटेरियल, लेबर और एफओएच इन तीनों की टोटल वाली प्राइस उसने फिर क्वेश्चन में बताई होगी। तो आप देखें डिपार्टमेंट बी के डाटा में मटेरियल वो बता रहा है दिस इज 50,000, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 25,000 और फैक्ट्री ओवरहेड 25,000, ये टोटल वाले कॉलम में हमने टोटल वाली प्राइसेस लिखी। अब जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कभी भी हमें क्वेश्चन में नहीं देगा, उसके लिए फिर हमें क्या करना है, वही एडिशनल कैलकुलेशन करनी है। तो अब इस एडिशनल कैलकुलेशन में हम सबसे पहले वही इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स फाइंड करेंगे। तो ये जो हमारे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स हैं ये टोटली डिपेंड करते हैं स्टिल इन प्रोसेस यूनिट्स की कंप्लीशन स्टेज पे। तो अब आप देखें आपके स्टिल इन प्रोसेस यूनिट्स की कंप्लीशन स्टेज कितनी है, 50% मटीरियल की भी, लेबर की भी और एफओएच की भी, राइट। तो इसका मतलब है तीनों के इक्विवेलेंट यूनिट फिर इकट्ठे फाइंड हो जाएंगे। तो यहाँ आप दोबारा लिखेंगे मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, ठीक। अब कैसे आएंगे ये इक्विवेलेंट यूनिट, वही फार्मूला लगेगा, कंप्लीटेड यूनिट 20,000 प्लस स्टिल इन प्रोसेस यूनिट 10,000 विद रिस्पेक्ट टू कंप्लीशन स्टेज 50%। अब आप इसको सॉल्व करें, 20,000 अपनी जगह रहा प्लस 10,000 का 50% 5,000 ऐड करें तो ये हो गए 25,000 यूनिट, राइट। तो तीनों के इक्विवेलेंट यूनिट फाइंड हो गए। अब हमें क्या चाहिए, हमारी पर यूनिट कॉस्ट। तो पर यूनिट कॉस्ट किस किसकी चाहिए, वही मटेरियल की, लेबर की और एफओएच की। अब मटेरियल की टोटल कॉस्ट 50,000, लेबर की टोटल कॉस्ट 25,000, फैक्ट्री ओवरहेड की टोटल कॉस्ट 25,000 है। अब डिवाइड कर दें इनको इनके यूनिट्स के साथ, तो वो अभी हमने फाइंड किए थे 25,000 तीनों के, मटेरियल के भी, लेबर के भी और एफओएच के भी।
अब आप इनको टोटल कॉस्ट को यूनिट्स पे डिवाइड करें तो एक एक यूनिट की प्राइस आ जाएगी। तो मटेरियल की आ जाएगी रुपीज 2 पर यूनिट, लेबर की रुपीज 1 पर यूनिट और एफओएच की रुपी 1 पर यूनिट। अब ये जो पर यूनिट प्राइसेज आई हैं इनको उठा के आप यहाँ पे ट्रांसफर कर दें, ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट वाले कॉलम में। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे 2, 1 एंड 1 शामिल, राइट। अब हम क्या करेंगे, मटीरियल, लेबर और एफओएच टोटल वाले कॉलम में इन तीनों को एड करेंगे तो इन तीनों का सम बन रहा है बेटे 100,000, 1,00,000 रुपए। इसी तरह पर यूनिट में 2, 1 और 1 को ऐड करें तो ये हो जाएगा 4 रुपीज, राइट। अब आप इसको करें सिंगल अंडरलाइन, तो 100,000 ये वो कॉस्ट है जो हमने ऐड की और टोटल वाली, और 4 रुपीज पर यूनिट ऐड की। तो अब हमें सिर्फ इस डिपार्टमेंट की कॉस्ट नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए बेटे टोटल कॉस्ट। तो अब टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, 100,000 हमने ऐड किया तो 120,000 पिछले डिपार्टमेंट ने दी थी, तो पिछले डिपार्टमेंट की 120,000 और अपनी 100,000 मिला के टोटल कितनी हो जाएगी, 220,000। इसी तरह पर यूनिट कॉस्ट 4 रुपीज हमने ऐड की, 4 पिछले डिपार्टमेंट ने दी थी, तो अब 4 और 4 ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 8। ठीक, ये आपके लाएगी बेटे हमारे पास टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। अब इसको कर देंगे हम डबल अंडरलाइन, तो इसके साथ ही हमारा सेकेंड सेक्शन जो है वो हो गया कंप्लीट। अब आ जाते हैं बेटे हम लोग अपने तीसरे सेक्शन की तरफ। तो तीसरा सेक्शन क्या होता है हमारे पास, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोस। तो ये तीसरा सेक्शन हमेशा हम अपने पहले सेक्शन को देख के बनाएंगे। फर्क क्या है, पहले सेक्शन में हमने इनके यूनिट लिए थे, तीसरे सेक्शन में हम इनकी कॉस्ट लेंगे। ठीक, तो अब यहां देखें, यहां लिया था हमने यूनिट ट्रांसफर्ड आउट। ठीक, तो यहां अब हम लेंगे बेटे कॉस्ट ट्रांसफर्ड आउट। तो अब कॉस्ट ट्रांसफर्ड आउट कैसे आएगी, ये जो 20,000 यूनिट हमने ट्रांसफर किए हैं इसको अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे अपने एक यूनिट की कॉस्ट के साथ। तो वो हमने कितनी फाइंड किया पर यूनिट कॉस्ट, 8 रुपीज सेकंड सेक्शन में। ठीक है, तो 20,000 × 8 तो ये आ जाएगा 160,000 आउटर कॉलम। फिर यहां लिया था यूनिट स्टिल इन प्रोसेस, यहां आ जाएगा बेटे वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंटरी। राइट, अब इस वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंटरी में हमने क्या करना है, ये जो यूनिट स्टिल इन प्रोसेस है 10,000 इनको भी हमने वही अपनी पर यूनिट कॉस्ट 8 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन चूंकि हमारे ये जो 10,000 यूनिट स्टिल इन प्रोसेस है इनकी कंप्लीशन स्टेज 100% नहीं है, ये वेरी कर रही है। ठीक, इसलिए डायरेक्ट इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पे फिर हमें इसके वही पार्ट्स करने पड़ेंगे, मटीरियल, लेबर और एफओएच। तो ये तीन पार्ट तब होते हैं जब हम पहले डिपार्टमेंट की सीपीआर बना रहे हो। तो क्योंकि दूसरे डिपार्टमेंट की सीपीआर बन रही है तो मटेरियल, लेबर, एफओएच तो आएंगे, लेकिन उससे पहले आएगी एडजस्टमेंट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। तो अब इस एडजस्टमेंट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट में आप क्या करेंगे, ये जो यूनिट 10,000 स्टिल इन प्रोसेस है ना, इसको पिछले डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट 4 से आप मल्टीप्लाई करें। तो 10,000 × 4 ये हो जाएगा 40,000 इनर कॉलम में लिखें। अब आप ले लेंगे मटेरियल, लेबर और एफओएच। तो मटेरियल कैसे आएगा बेटे, 10,000 यूनिट इन प्रोसेस है मल्टीप्लाइड बाई मटेरियल की कंप्लीशन स्टेज 50% है मल्टीप्लाइड बाई मटेरियल के एक यूनिट की प्राइस 2 है। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 10,000 बाहर आ गया। इसी तरह लेबर, 10,000 यूनिट इन प्रोसेस है कंप्लीशन स्टेज लेबर की 50% है और लेबर की पर यूनिट कॉस्ट में से वो 1 है, मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 5,000 सिंप्लीफाई करने के बाद। इसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड, 10,000 यूनिट इन प्रोसेस है मल्टीप्लाइड बाई एफओएच की कंप्लीशन स्टेज 50% है मल्टीप्लाइड बाई एफओएच के यूनिट की एक यूनिट की कॉस्ट 1 है, इनको भी आप मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करें तो ये भी 5,000 आ गया। अब 40,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 तो ये मिलकर कितना हो गया, 60,000। ठीक, तो अब हम लोगों ने 160,000 की कॉस्ट ट्रांसफर कर दी है और 60,000 की 10,000 यूनिट की कॉस्ट हमारे पास पड़ी हुई है, तो मिला के टोटल कितनी होगी, 220,000। तो ये कहलाएगी अब हमारे पास टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर। तो अब ये जो हमारे तीसरे सेक्शन का आंसर आया है 220,000, ये हमारे दूसरे सेक्शन के आंसर के साथ मैच करेगा, अदरवाइज आप क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट कर रही। ठीक है बेटे, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7-29 जिसमें एक ही क्वेश्चन के अंदर उसने दो डिपार्टमेंट की सीपीआर इकट्ठी बनाने को कह दी थी। तो पहले हमने डिपार्टमेंट ए की बनाई, फिर हमने डिपार्टमेंट बी की बनाई। ठीक है बेटे, तो ये था क्वेश्चन 29।